भारत में वाले अश्नीर ग्रोवर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी खुद के कारण तो कभी अपनी पत्नी माधुरी जैन के कारण। लेकिन इस बार वो सुर्खियों में है खुद के एक ट्वीट के कारण। दरअसल भारत पे के पूर्व सीईओ अश्नीर ग्रोवर ने एक दावा किया है। दावा यह है कि उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर देश की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली महिलाओं में से एक है। इसकी जानकारी अश्नीर ने खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। उनके मुताबिक माधुरी ने 2.84 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स का भुगतान किया है। ये जानकारी अश्नीर ने 15 मार्च के अपने ट्विटर पर अपनी पत्नी की एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा, माधुरी जैन ग्रोवर देश की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली महिलाओं में से एक है। उसने इस वित्त वर्ष में 2.84 करोड़ रुपए का अग्रिम कर चुकाया है। अपने स्टार्टअप निवेशों के साथ शीज किलिंग सभी ईमानदार करदाताओं के लिए खुशी की बात है। अश्नीर का कहना है कि माधुरी कई सालों से भारत में सबसे अधिक व्यक्तिगत महिला करदाताओं में से एक रही हैं। आपको लगता है कि भारत में कितने वीसी पार्टनर्स ने इतना टैक्स चुकाया हो? बहुत कम। ज्यादातर लोग इसके लिए सिंगापुर या दुबई में रहते हैं और शून्य टैक्स का भुगतान करते हैं। अब अगर अश्नीर ग्रोवर अपनी पत्नी माधुरी जैन के एडवांस टैक्स की इतनी तारीफ कर ही रहे हैं तो उनकी बात भी तो होनी चाहिए। आखिर अश्नीर ग्रोवर कितना टैक्स जमा करते हैं यह भी तो पता होना चाहिए। तो आपको बता दें, अश्नीर ग्रोवर ने मार्च 2022 में असेसमेंट ईयर 2022-23 में कुल 7.1 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया था। वहीं उनकी पत्नी ने असेसमेंट ईयर 2022-23 में कुल 1.1 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया था। हालांकि अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को पिछले साल भारत पे के सभी पदों से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उन पर कंपनी के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। इसके साथ ही भारत पे के अश्नीर ग्रोवर के परिवार पर आरोप लगाया गया था कि उनके परिवार ने फर्जी बिल्स बनाकर कंपनी के फंड्स का अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया है। उनके ऊपर कंपनी के 88 करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।